दर्शक बंधु लगातार 7-8 दिन क्रमगत भाव गज्जापटीर जो मामला यह बढ़ुवा बेले एपात विराम देवाई आमेरिका प्रयास आरंभ कर इज्राएल निजर अस्त्रशस्त्र व्यवहार कर देशर अर्थनीति एवं सामान्य असुविधा भोग करुवक आसी कितु सबुठ बड़ कथा यहाँ विरोध करुवा जो सबुठ बड़ संगठन जहाक ओआईसी बोली कहुए यह भितर परस्पर मध्य तिक्तता को वृद्धि कर दे इज्राएल मामलू अपात तो किसी समयपी दूरे जावर एक सूत्र जमापड़ी पर्यायर प्रथम सोपान को आसिले देखा जाए कि तुर्की क्रमगत भाव समग्र इस्लाम देश मान समग्र आरब देश मानू एकजुट कर इज्राएल विरुद्ध मतईबार एक बृहत् प्रयास कर लगातार भावे फिलिस्तीन को समर्थन एवं ओआईसी को निंदा करने पर ओआईसी एक जरूरी बैठक इतिम्य होता उद्देश्य थिला इज्राएल को घेरवा किंतु सबुठ बड़ कथा एथिरे तुर्की एक प्रस्ताव देता जहाँकि इंटरनेशनल डिफेन्स मेकानिजम अर्थात सबुदेशर सैन्य मैंने मिसी एक महासैन्य गठबंधन करेंगे विभिन्न देश को सुरक्षा देवा संगे संगे इज्राएल विरुद्ध दरकार पड़े जी एवं जदि आवश्यक हुए एथिरे तुर्की प्रथम यही पर्याय को आरंभ करिवार मध्य प्रस्ताव देता ए प्रस्ताव पर विचार हो न हो अचानक इज्राएल उपर जितेबले लेबानन तरफ आक्रमण आरंभ हो गला ही अंतराष्ट्रीय खास करी आरब राष्ट्रीय समीकरण बदलवाक लगला क्रमगत भाव इज्राएल जो भाई गज्जापटी विमान आक्रमण करी अनेक अट्टालिका ध्वंस कर निरीह जनजीवन मानू व्यतिबस्त कर पकला यही समय यूएई सीधासलख हमास को कही कि त्वरितगति हमास अस्त्र त्याग करवा दरकार नहले गज्जापटी यूएई जो निवेश रही यूएई बंद करदेव साउदी आरब मध्य परे परे एक कथा को समर्थन कर जनईला कि त्वरितगति यार समाधान हवा आवश्यक एवं आतंकवादी गोष्ठी अस्त्र त्याग करार दरकार यही दुईट बड़ देश एवं इज्राएल सपक्ष सामना को आसी न जनईले परोक्ष इज्राएल एवं गाजापटी होता युद्धर विराम संकेत दे सूचना मिली किंतु ए भितर लेबानन विदेश मंत्री जो बयान देते आरब देश मैंने निज निज भितर ही तिक्तता वृद्धि करिवारे लागि पड़िछन्ते जमीक कतार हो साउदी आरब हो किंबा यूएई हो एमाने एबे लेबानन को जबरदस्त टणाओटरा वा भिड़ाभिड़ी स्तर को नहीं आसिछन्ते जहाँफल लेबानन रो विदेश मंत्री इस्तफा देवाई मध्य बाध्य होती घटनाटी यह कि लेबानन रो विदेश मंत्री निकट में बयान देते कि आईएसआई भली कुख्यात आतंकवादी गोष्ठी को कतार यूएई एवं साउदी आरब भली देश माने जन्म देते बस यही बयान पर चार्बिल बेबे जी कि लेबानन रो विदेश मंत्री इस्तफा देवा बाध्य होती कारण त्वरित गति में लेबानन रो दूतावास को समन कर राजदूत को ए विषय स्पष्टीकरण देवाई देश बाध्य करते एक साउदी आरब यूएई कतार सबु देश देखा मिलता परिस्थिति एवं राजनीति एभली भाव प्रभावित हला जे लेबानन रो विदेश मंत्री यही बयान पर निजर इस्तफा देवा बाध्य सेपटे इज्राएल को वर्ल्ड बैंक रु एक जबरदस्त अरब डॉलर लोन मिली तबे यही लोन मिलवा पछरे भारतर भूमिका रही बोली तुर्की एबे स्पष्ट बयान दे घटना को जदि देखिबा ताहले फिलिस्तीन मामलें जदियों भारत फिलिस्तीन सपक्ष किछि बयान देछि जातिसंघरे किंतु अन्य माने विश्वास करचंती एवं तुर्की मध्य एक प्रचार कर चली केवल यूएन रे फिलिस्तीन सपक्ष रे भारतर बयान थिले मध्य भितर भितर यह इज्राएल सह संपर्कित एवं दृढ़ हस्तर यह इज्राएल को समर्थन करुच वर्ल्ड बैंक रो मामला देखिले इज्राएल को जो अरब डॉलर रो वर्ल्ड बैंक रो लोन मिली यह पछरे भारतर हाथ रही कारण भारत ही इज्राएल को यही लोन देवाई वर्ल्ड बैंक को प्रभावित करथिबार अभियोग मध्य तुर्की करिछि एक कथार सत्यता थाई पारे कारण तुर्की कहिछि कि से जेतेबेले वर्ल्ड बैंक रु
ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ହାତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ ସେ ଗୋଳା ବାରୁଦ କିଣି ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା କରିବ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି, ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତର୍କୀ। କିନ୍ତୁ ତର୍କୀ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉ କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଦାନ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦେଶକୁ ବରଂ ଏକ ସହାବସ୍ଥାନ ସ୍ତରରେ, ଏକ ଗଠବନ୍ଧନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳିତ ସହବନ୍ଧନରେ ଯଦି ଆରବ ଦେଶ ଭାଗି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜୁଟାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।